गया था और हमने उसको नोट डाउन भी किया था, ऐसे ही हमने सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था और उसको भी हम अच्छे से नोट डाउन कर चुके थे। साथ ही साथ में हमारा थर्ड चैप्टर की अब हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का सेकंड चैप्टर अभी तक चेक नहीं हो पाया है तो वो अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करें, चेक करवाएं। एक्सरसाइज को चेक नहीं करवाना है ना ही नोट करना है, एक्सरसाइज को ओनली बुक में रहने दें, आपको ओनली क्वेश्चन आंसर्स को चेक करवाना है। ओके, सो वो आप मुझे चेक करवा सकते हैं अभी भी सेकंड चैप्टर के। थर्ड चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, द नेम ऑफ चैप्टर इज एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट आप सभी लोग जानते हैं कि स्प्रेडशीट के बारे में चैप्टर है, स्प्रेडशीट आप सभी लोग जानते हैं, हम सबने वर्क किया है। जैसे कि मैं आपको जब भी लैब लेकर के जाता था लास्ट क्लास में, तब आपको स्प्रेडशीट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था, स्प्रेडशीट किस टाइप से वर्क करती है, किस टाइप से काम करती है, वो सब हमने अच्छे से देखा था। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रिप्लेसमेंट डाटा इन वेरियस वेज, वी कैन सॉर्ट आउट sort our data, creates groups and filter information as per our needs. This is an important feature as it helps to make the information simple. Features of Excel spreadsheet includes a number of built-in formulas used for common tasks known as functions. तो स्प्रेडशीट में हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या स्प्रेडशीट के फायदे क्या हैं? मैं बोलता हूँ कंप्यूटर में हमको स्प्रेडशीट एक ऑप्शन मिला हुआ है, तो आप कहेंगे स्प्रेडशीट का हमें क्या फायदा है, कंप्यूटर में मिला हुआ है ठीक है, लेकिन हमें क्या फायदा है? तो हमें ये फायदा है कि हम उस पर बहुत सारा जो काम है एक साथ में कर पाते हैं, और काम तो हम स्प्रेडशीट के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट पे वर्क करना ईजी हो जाता है और कम टाइम में हम उसको कर पाते हैं। जैसे कि जो भी डाटा है उसको हम विदाउट कंप्यूटर के भी तो सेव करके रखते थे ना पहले के टाइम में, लेकिन जब से कंप्यूटर आए तो डाटा को सेव करना हमारे लिए, स्टोरेज करना बहुत ईजी हो गया है और बहुत जल्दी भी हम उसको कर पाते हैं, टाइम का भी हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एक्सेल 2010 रिटायर्ड द चार्ट विजार्ड्स एंड ऑफर एज डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द रिबन रिबन्स इंसर्ट टैब्स। इंसर्ट टैब्स 2010 के बाद रिटायर्ड हुए थे चार्ट पेयर्स, तो उनके डायरेक्टली एक्सेस के बाद मेजर टैब्स के चार्ट्स उन्होंने बनाए जिससे कि हम उनका यूज कर सकते हैं। डाटा कैन बी एंटर्ड इन सीरीज यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन, तो डाटा को हम ऑटोफिल ऑप्शन के जरिए भी कंप्यूट कर सकते हैं। द डाटा गेट्स ऑटोमेटिकली रिक्टोएंटली इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल कॉल, हम इसको एक भी सिंगल कॉल के जरिए चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे जो डाटा बनाया, मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 40 सपोज करके चलते हैं, आपकी 6th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 40 बच्चों का मैंने रिकॉर्ड बनाया, 40 में से मान लीजिए मैंने आपकी आंसर शीट बना रहा हूँ आपकी, या फिर मार्क्स की शीट बना रहा हूँ, आपने एग्जाम दिए तो मार्क्स शीट बनाई मैंने उसकी, तो मार्क्स की जो शीट बनाई मैंने उसमें 39 बच्चों का तो लिख दिया, एक बच्चे का मैं भूल गया बीच में लिखना, अब 39 का मैंने लिख करके 39 के मार्क्स लिख दिए और सारे मार्क्सों को मैंने टोटल कर दिया। अब एक बच्चे का मैं छोड़ गया, मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने एक बच्चे का तो छोड़ ही दिया, कहीं रह गया, अब मैं क्या करूँगा, तो क्या मुझे पूरा डाटा प्रिंट करना पड़ेगा फिर? वो जो ऐसा तो है नहीं कि वो एक बच्चा जो छुटा है वो लास्ट में ही छुटा हो, बीच में कहीं छूट गया होगा वो बच्चा, तो फिर अब क्या मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, हम उस बच्चे को बीच में ऐड कर देंगे, जहाँ पर वो छुटा था वहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं, विदाउट जो हमने लिख दिया है उसको मिटाए हुए, उसको मिटाए हुए हम उसके बीच में ऐड भी कर सकते हैं, उसके मार्क्स लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स तो हमने लिख दिए। अब जो टोटल हुआ है वो 39 का हुआ है, 39 बच्चों का टोटल हुआ है, एक बच्चा तो मैंने जो 40वां बच्चा है 40वां वो बाद में ऐड किया, तो क्या मुझे टोटल दोबारा से करना पड़ेगा? पूरा टोटल मतलब 40 बच्चों का दोबारा से पूरा टोटल करूंगा क्या मैं? नहीं, तो मैंने जैसे इसके मार्क्स देखे स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट करके उसका टोटल कर देता है, यानी कि इतना बड़ा बेनिफिट है हमारी, इंसान उसको मिस्टेक हो भी सकती है, टोटल गलत हो सकता है, कैलकुलेटर से भी हम कभी कभी गलत नंबर टाइप कर देते हैं तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट से मिस्टेक कभी नहीं होती। तो कितना अच्छा बेनिफिट है हमें इन चीज़ों का, और कंप्यूटर से आप देखेंगे तो हर तरीके से बेनिफिट ही है, अब बस ये है कि हम उसका मिसयूज ना करें, तो एक मशीन है और बहुत ही यूजफुल मशीन है अगर हमारे लिए देखा जाए। नॉट ओनली कंप्यूटर, आप देखेंगे मोबाइल फोन, अब आज के टाइम में आप देखिए चीजें तो हर टाइप से होती हैं, चाकू भी जो है तो यूजफुल भी है हार्मफुल भी है, चाकू से जब तक आप सब्जी काट रहे हैं तब तक वो आपके लिए यूजफुल है, आप सब्जी की जगह अपनी उंगली काट लें, नस काट लें तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो गया। तो हर एक चीज का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के यूज होते हैं, दोनों टाइप के इफेक्ट होते हैं, अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किस
कुछ लोग कंप्यूटर का विरोध भी बहुत करते हैं, यानी कंप्यूटर में क्या है इतनी देर चलाना, उससे आंखें खराब होती हैं, उससे ये होता है वो होता है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो वो बात भी उनकी सही है, अलग बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। हम कंप्यूटर को लगेंगे उसको 10-10, 12-12, 15-15 घंटे कंप्यूटर पे ही बैठे हैं, कंप्यूटर पे ही वर्क कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। हमको किस टाइम से वर्क करना है, किस टाइम से कितना वर्क करना है, वो भी एक टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, एक सीरीज निश्चित होना चाहिए, क्या वर्क करना है। पता चला आजकल के लोग तो पहले ऑनलाइन स्टडी से काफी लोग डर भी रहे थे, और मतलब जब स्कूल नहीं खुले थे तो सभी स्कूलों का ये था कि ऑनलाइन स्टडी होगी, तो सारे बच्चों को डर लग रहा था कि कैसे होगी, कैसे होगा, पता ही नहीं है हमें, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट किया तो सबको समझ में आने लगा, सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सब बच्चे अपनी कॉपियां भी चेक करवा रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, क्लासेस भी लग रही हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, सब कुछ तो क्लियर हो रहा है, बस ये है कि आप और हम साथ में नहीं है, बाकी तो सब कुछ हो रहा है जो क्लास में होता था, मैं समझ रहा हूँ क्लास से बेटर हो रहा है। आप सोचिए क्लास में आपकी कॉपियाँ चेक होती थी, आपके टेस्ट होते थे, तो एक अलग बात थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको विदाउट कोई प्रॉब्लम कि आपको कोई ना आने जाने की दिक्कत है, ना कहीं कुछ, आराम से आप घर पर बैठे हो जैसे चाहे, मतलब अब स्कूल में आते हैं तो प्रॉपर ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, प्रॉपर वे में, हर एक चीज़ का टाइम टेबल, तो वो करना पड़ता था मैनेजमेंट, आपको भी हमको भी सबको करने पड़ा। आप आराम से घर पर बैठ के पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिफॉर्म में पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस स्कूल का टाइम भी एकदम पूरा निश्चित होता था कि आपको इतने बजे, आपको 8 बजे स्कूल आना है तो आना ही है, आपको 2:30 बजे छुट्टी होगी तो 2:30 बजे तक रुकना है तो रुकना ही है स्कूल में, ये होता था। घर पे तो आप कभी भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, ऐप पे, जो भी ऐप्स हैं हमारे, आपको व्हाट्सअप लिंक्स पे कभी भी, जैसे आज जो चैप्टर हो गया है क्लास में, ऑफलाइन रहती थी तो आज कोई चैप्टर हो गया वो तो हो गया, आप कल पढ़ाऊंगा तो सेकंड चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि पिछले चैप्टर को आप दोबारा से सुन सकें कि सबने क्या पढ़ाया था। अब जितना याद रहता है उतना ही रहता है आप लोगों को, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको 40 मिनट्स का एक पीरियड दिया तो पूरा 40 मिनट्स में एक एक मिनट में क्या क्या बताया सब आपको याद रहेगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अब ऑनलाइन का हमें कितना अच्छा फायदा हो गया, मान लीजिए पिछली वीडियो मुझे याद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, मैंने क्या पढ़ा दिया सबने, हमको देखना है, क्या आप आराम से देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कितना फायदा है। तो ये तो हमारे ऊपर है, पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका अच्छा यूज कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी को यूज कर रहे हैं, या उसका गलत मिस यूज कर रहे हैं। अभी इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, फेसबुक का गलत यूज भी लोग बहुत करते हैं, दूसरों की आईडी हैक कर लेना, दूसरों का नंबर हैक कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो ये भी मिस यूज भी है, साइबर क्राइम्स कहलाते हैं ये सभी, तो ऐसे क्रिमिनल ही बन जाते हैं वो लोग अगर ऐसा कोई हरकतें करता है तो ये मिसयूज भी है। दूसरों का डाटा हैक कर लेना, दूसरों की इंफॉर्मेशन को लीक कर देना, ऐसे किसी को क्या मिल सकता है। तो ये तो अपने ऊपर है, हम उसका कैसा यूज करते हैं, कैसा यूज नहीं करते हैं। स्प्रेडशीट का भी बहुत अच्छा यूज है, मैंने बताया चाकू है, चाकू तो दोनों टाइप से यूज होता है, चाकू से आप अगर सब्जियां काट रहे हैं तब तक आपके लिए अच्छा है, सब्जी की जगह जिस दिन उंगली कट गई उस दिन आपके लिए बुरा है, तो वही चीजें हैं। तो जो चीजें हम यूज करते हैं दोनों टाइप से हमारे लिए है, जब तक हम आज का उसका बेनिफिशियल लेने के लिए यूज कर रहे हैं तब तक ठीक है, जिस दिन हमने मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया उसी दिन वो सब चीजें करना है। स्प्रेडशीट में आप देखते हैं जो डाटा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलसी बन जाना है, स्प्रेडशीट तो सब कुछ कर ही देगी, हमें तो टाइप करना है, स्प्रेडशीट टोटली कर देगी, टाइपिंग कर देगी, तो आप देखेंगे वो भी एक मशीन है, गलती तो मशीन से भी हो सकती है, गलती नहीं होती तो ये हो जाता है मशीन की कोई चीज़ खराब हो गई तो उस टाइम वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही, तो वो वहाँ पर गलत टाइप कर सकती है, गलत मिस्टेक कर सकती है, तो उसको चेक करना भी एक बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले गो द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप निकल करके आता है उसमें नीचे स्टार्ट बटन होते हैं, या 4 बॉक्सेस से बने होते हैं छोटे से, वो स्टार्ट बटन होता है, वहाँ पे हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो पूरे प्रोग्राम्स की लिस्ट हमारे सामने आती है, उस लिस्ट में से हमको क्या सिलेक्ट करना है, माइक्रो ऑफिस 2010 उसको सिलेक्ट करना है, तो हमारे सामने स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। कंपाउंड ऑफ स्प्रेडशीट व्हेन यू टॉक व्हेन यू लुक एट द एक्सेल सीरीज यू कैन रिफ्रेंटली टेबल वर्ड रोस रो और कॉलम्स के तौर पे ये स्प्रेडशीट बनी हुई होती है, इसमें रो और कॉलम होते हैं, यहां पे स्प्रेडशीट का डायग्राम भी दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं ये रो और ये कॉलम्स रो और कॉलम्स के तौर पे ये बना हुआ है, आप सभी ने ही देखा भी होगा, बुक है आप सभी के पास में, अपनी अपनी बुक्स में आप देख सकते हैं। स्प्रेडशीट
टर्मिनोलॉजी, इसमें लॉजिकल्स क्या है, इसके जो ऊपर के जो ऑप्शन देते हैं इसमें क्या क्या लॉजिकल्स है, क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले वर्कशीट्स है, रो है, कॉलम है, तो रो और कॉलम में यूज कर सकते हैं, सेल है, सेल एड्रेस है, एक्टिव सेल है, रेंज ऑफ सेल है, फॉर्मूला बार है, नेम बार है, कैंसल बटन है, एंटर बटन है, ये सारे इसमें फीचर्स हमको मिलते हैं। इन सबसे क्या होता है, जैसे कि सेल से सेल बार की तरफ हम जा सकते हैं, सेल एड्रेस क्या करता है, सेल एड्रेस से हम उस चीज के सेल एड्रेस पे जा सकते हैं, एक्टिव सेल क्या काम करेंगे, सेल वेयर इज कर्सन इज प्रेजेंट इज द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल ऑफ करंट सेल इट हैज ब्रेक डाउन द अंडरग्राउंड द एड्रेस ऑफ द एक्टिव ऑफ द सेल अपीयर्स इन द नेम बॉक्स, उसके नेम बॉक्स को भी चेंज किया जा सकता है, रेंज ऑफ सेल जो उसकी रेंजेस होती हैं, फार्मूला बार से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट राउंड के टिक करेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ बॉक्स में नेम कर सकते हैं, कैंसल बटन भी है, मान लीजिए मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हम उस जगह से कैंसिल भी कर सकते हैं, एंटर बटन होता है तो उसको हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। टेबल क्रिएशन इन एमएस एक्सेल, टेबल्स क्रिएशन कैसे होती है एमएस एक्सेल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल का टेबल क्रिएशन भी दिया हुआ है। सो स्टेप वन, ऑन द वर्कशीट सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द टेबल, द सेल कैन बी एम्प्टी और कैन कॉन्टैक्ट डाटा। स्टेप टू, ऑन द होम टैब इन द स्टाइल ग्रुप्स क्लिक फॉर्मेट एज टेबल एज and then click the table style that you want. बहुत देख रहे हैं ना, features बहुत हैं इसमें। Step 3 जो है, if the select range contents you want to display as a table and then select the measure tables and click the permission button. तो इस step से आपके इसके बहुत features मिल जाते हैं, तो जिनको आप use कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 3 में और भी क्या क्या हमको बेनिफिट मिल रहे हैं, और फिर इसको नोट डाउन में आपको करवा दूंगा, इसके पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, उससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। काफी लार्ज चैप्टर है चैप्टर 3, तो उसमें बहुत सारी हमको इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, बाकी इसकी एक्सरसाइज बहुत छोटी है तो वो हम जल्दी से कर लेंगे, एक दिन का भी काम लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।